अंदर जाइए, जीजू को मैं लेके आऊँ। वेलकम टू द फैमिली जीजू। थैंक यू जी। सो सॉरी, आइए ना, देर हो रही है, चलिए चलिए। अरे भाई साहब, आप तो बैठिए। सही किया ना? हाँ वही तो। भाई साहब जवाब नहीं आपका। जीजा जी कंट्रोल, वो सीधा यहीं आ रही है आपके पास। हमारे लड़के पे तो जादू ही चल गया। कितनी प्यारी है हमारी होने वाली बहू, दोनों ही साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं। किसी की नजर ना लगे। अरे भाई तू मीठा करो, हमारे दामाद जी। अरे भाई भी क्या बढ़िया, आप भी तो खाइए लड्डू। नहीं बिल्कुल। अरे सुषमा मिठाई परोसो, कब लाओगी? शादी वाले दिन। हाँ दीदी, पूरी तीस तीस भिजवाओ, किसी को वेट ना करना। अरे शायद डाल दे। हाँ डाल दीजिए। अंकल जी ये क्या, बस इतना ही? ये लीजिए लड्डू खाइए। अरे बेटा जी, इतना लड्डू खिलाओगे तो हमें लोग लड्डू बोलने लगेंगे। बेटा हाँ डाली, सही है। सारा दिन काम कर रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, यहाँ बैठ के हमारे साथ खाना खा। डिम्पल बहुत काम कर लिया, अब चुपचाप खाना खा। अरे मैं खा लूंगी, पहले काम तो खत्म कर लूँ। दादी ये लीजिए। ये लो दादी, आप पहले लड्डू खाओ। लाडू है दादी की। बिल्कुल। वो दिन भी ऐसा ही होगा जब शामियाने सजेंगे, फूल महक रहे होंगे, घर वाले आपस में बात कर रहे होंगे, और डिंपल दुल्हन के जोड़े में शर्मा रही होगी, और मनीष तुम लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे होगे। फट्टू लोगों का इस दुनिया में कुछ नहीं होता। ए फट्टू, फट्टू किसको बोल रहा है? और तो देखना, अभी इसी वक्त डिंपल को मैं प्रपोज करके आता हूँ। अच्छा तू देख। वो डिंपल, डिंपल मैं। मनीष तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके चेक करो कि रहने का अरेंजमेंट सही से हुआ कि नहीं। लड़के वाले और उनके मेहमान यहीं रुकने वाले हैं, कंफर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है डिंपल, मैं चेक करता हूँ, तुम प्लीज टेंशन मत लो। हाँ अच्छा ठीक है, तुम प्लीज जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अरे मेरी प्यारी बच्ची, सारा दिन दौड़ धूप करने के बाद भी दादी को नहीं भूली, आ गई मेरी सेवा करने। अरे शरद, ये इस पनार वाले का हिसाब तो मैं आज ही करके आया हूँ, इसको आगे देने की जरूरत नहीं है। अभी जो भी हिसाब करना, शादी के बाद करना। ठीक है भैया। हाँ। तो सिर्फ लाइट वाले का हिसाब रह जाएगा। हाँ। वैसे भैया, हाँ, ये डेस्टिनेशन वेडिंग का आइडिया भी अच्छा ही रहा। सब लोग आस पास ही है और ऐसे में घुलने मिलने का मौका भी मिल जाता है। काश हमारी भी हुई होती डेस्टिनेशन वेडिंग, तो हमारी भी बात कुछ और ही होती। उम्र देखो अपनी, निकल गया वो अब टाइम। क्यों मम्मी?
अब बेटी की शादी है उसको एंजॉय करो। वो तो अपनी डिंपल थी जिसने ये आइडिया दिया, वरना हम लोग अभी पता है क्या कर रहे होते? ये चाय की चुस्की नहीं ले रहे होते, पंडाल के बल्ब के तार ठीक कर रहे होते। ओए डिंपल देखना ये वाला हेयर स्टाइल, ये कल वाले लहंगे के साथ कैसा लगेगा? नहीं वो ऊपर वाला, दादी आप बताओ ना। अरे परी बड़ी, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेबे बेबे लगेगी, बड़ी ब्यूटीफुल लगेगी। दादी बेबी नहीं बेब। हाँ हाँ मैं जानती हूँ बेब। पता ही नहीं चला कभी ये बच्चियाँ इतनी बड़ी हो गई। सही कहा मम्मी जी, देखिए ना आज ये डिजाइनर लहंगे के साथ में हेयर स्टाइल सिलेक्ट कर रही है, कल तक इनके फ्रॉक्स भी हम सिलेक्ट करते थे याद है। परी डिंपल ध्रुव चलो अंदर आ जाओ, तुम्हारे पापा दिल्ली से लौट आए हैं, जल्दी जल्दी चलो, बहुत सारी गिफ्ट लाए हैं वो तुम्हारे लिए, चलो चलो चलो। ये मेरा है। इतना हल्का रंग तुझ पर बिल्कुल नहीं जचेगा, ये तो परी पर बहुत अच्छी लगेगी। तुम बेटा ये पहन लो, ये पहन लो तुम, तुम्हारे लिए है, अच्छी है ना? तुझे क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं, तुम्हें ये वाली ड्रेस नहीं पसंद? तो कोई बात नहीं ना, हम मेरी वाली शेयर कर लेंगे, वो तो पसंद है ना तुझे? सच्ची तू मुझसे शेयर करेगी अपनी ड्रेस? ऑफ कोर्स वी आर सिस्टर ना स्टूपिड, हम तो सब कुछ शेयर कर सकते हैं ना। अरे